हारिस ने भी कल भरपूर यानी कि रनआउट नहीं होता तो वो शायद मैच का नतीजा कुछ और क्लोज तो ले ही जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कर दिया था उसने भी बाबर के साथ को रेट कर रहे हैं कि वो हारिस रोफ का मुकाबला कर अच्छा, सकते हैं। अच्छा एक एक एहसान याद आया वो हमने रखा हुआ शॉट हमने उसका चलाना है कि एहसान हारिस ने क्या कहा एहसान के लिए जरा एक सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है फिर मैं बताऊंगा कि वाकई उन्होंने क्यों कहा है। हारिस भी प्लान की आपने बात की कि बाबर भाई के साथ आपने प्लान डिस्कस किया एहसानुल्लाह के बारे में बता दें कि बाबर भाई ने क्या बोला था कि एहसानुल्लाह पे अटैक करेंगे या डिफेंड करेंगे। नहीं जिस तरह की मेरी बॉल लग रही थी तो शुक्र है एहसानुल्लाह बच गया वो तो उसकी खुशकिस्मती है क्योंकि उसको मैं समझता हूँ वो कीपिंग कर चुका हूँ वनडे में हर उसके 10 ओवर में पकड़ चुका हूँ कीपिंग में केपीके में हमारे साथ ही खेलते तो मुझे उसका पता है कि कब कौन सा बॉल करता है इतना तो मुझे पता है और मैं बेसिकली एहसान ला के लिए प्लान करके आया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ उसके दो बॉल ही खेल सका। अब ये देखें ये वाकई ये बात बिल्कुल सही है एक बाबर का अच्छा आउट एहसानुल्लाह का नो डाउट उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है लेकिन उसके बाद जब साइम अयूब और हारिस ने अटैक शुरू किया आप एहसानुल्लाह को देखें वो उतने लेथल साबित नहीं हो रहे थे उन्होंने विकटे बाद में कहाँ जाके लिए एंड में जब ये ऊपर से साइम अयूब वगैरह की उसामा मीर अपना काम कर चुके थे नुकसान पहुंचा चुके थे जलमी को बाकी उन्होंने कोटा पूरा किया है असल किया वहीं साइम को आउट किया उसामा ने जब वो सेट हो गया था। इतनी और बहुत अच्छी खिंची हुई लेग ब्रेक की एक होती है फ्लैटेड लेग ब्रेक उन्होंने वो लेग ब्रेक किए पीछे लेंथ पे खिंची हुई जिसको बिल्कुल वो निकला इसीलिए कि मैं इसको पिक करूंगा लेकिन वो इतने पेस में बॉल अंदर आया और विकेट की सीध में रहा है कि विकेट की एज उड़ाता हुआ चला गया ये मतलब ये नॉर्मल लेग ब्रेक बॉलर वाली बॉल नहीं होती। अभी आप देखें ना तारीफ है अच्छा आज बड़ी अच्छी बात बताई उसामा हमारे शो में भी थे यहाँ पर भी जो उसकी इस इन्हांस करने में उसकी जो बड़ी हैं बॉलिंग एबिलिटीज़ उसके अंदर भी लाहौर कलंदर का हाथ था। अच्छा। उसने बताया कि मैं जब डाउन हो गया था तो आकिब जावेद ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आप हमारी एकेडमी में आओ तो मैं लाहौर कलंदर की एकेडमी में गया वहाँ 4 महीने उन्होंने मुझ पर काम किया तो आज जो मैं एक्सपर्ट और इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ उसमें आकिब जावेद हर PSL में जो हमें नया टैलेंट मिल रहा है लाहौर की बड़ी वजह ये भी है कि ये बड़ा अच्छा है सिर्फ ये PSL हमारे अच्छे मुकाबलों के लिए नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट को इससे सपोर्ट मिल रही है। आप देखें हर सीजन में हमें नए खिलाड़ी मिल रहे हैं इस दफा हमने कराची से मिल रहे हैं साइम अयूब जावेद मियांदाद कई बड़ी लिस्ट हैं कराची से जो ऐसी यार क्रिकेट खेलते हैं कि पूरी दुनिया इंस्पायर हो जाती है।